6-7 मीटर का चॉइस रहेगा, आपको जो भी मीटर अच्छा लगता है वो मीटर आप आपके घर में लेके जा सकते हैं और लगा सकते हैं। हमको टोरेंट का कोई भी मीटर नहीं चाहिए क्योंकि हमको उनसे कोई भरोसा नहीं है। 3 मीटर वो कोई भी अपने चॉइस का ग्राहक लगा सकता है, कंज्यूमर लगा सकता है। इलेक्शन होने से पहले भी जितेंद्र हवार साहब बोले थे कि जैसा ये लाइट नहीं आएगी, क्योंकि टोरेंट के मीटर के बारे में मैंने खुद कहा कि 30% ये तेज रखता है और धमकी देके जाते हैं संजय नगर की लाइट बंद कर दे, तो ये मुमरा नहीं साइन कर पाएगा ना मुमरा के लोग साइन कर पाएंगे। तो नेताओं को तो सोचना चाहिए ना, उनको पता नहीं है क्या यहाँ की हालत। हम लोग यहाँ सिर्फ वायर कर रहे हैं, एक बॉक्स लगा रहे हैं, बट आपका जो मीटर रहेगा वो रिप्लेस नहीं होगा। हाँ, क्योंकि हमारा एक वोट भी आपके लिए कीमती है, एक वोट भी पब्लिक का, फिर वही पब्लिक को आप क्यों सजा दें? और बदलो तो हमारे चॉइस का बदलो, आपका आपका वो नहीं बने। ये महावितरण का करार है, मैं लोगों से अपील करता हूँ इस तरीके से अगर कोई दादागिरी करे उसकी शिकायत तुरंत पुलिस स्टेशन में करो। ये सब जितनी भी तकलीफें आपको हो रही है उसके ऊपर हम जल्द ही दवाई इलाज ढूंढ लेंगे। इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में टोरेंट पावर का जिस तरह से विरोध हो रहा है मीटर और बिजली बिल को लेकर, इस पर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आभाट के कार्यालय पर टोरेंट पावर के अधिकारी और महावितरण के अधिकारियों के साथ मंगलवार को एक मीटिंग ली गई थी। इस मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ, मंत्री जितेंद्र आभाट ने क्या बताया है और सैयद अली अशरफ भाई साहब ने भी इस पर क्या जानकारी दी है और मीटिंग में हुए डिसीजन पर मुमरा शहर की जनता सहमत है या नहीं, ये सब हम आपको इस खबर में बताएंगे। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आभाट, आनंद परांजपे, सैयद अली अशरफ भाई साहब, शमीम खान, शानू पठान, रेहान पीतलवाला, बबलू सेमना, टोरेंट पावर के अधिकारी और महावितरण के अधिकारियों के बीच में ये मीटिंग ली गई थी और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। इस मीटिंग में डिसीजन लिया गया कि मीटर टोरेंट पावर को महावितरण देगी। ISI मार्का के जो अलग अलग कंपनियों के होंगे, 4 से 5 कंपनियों के ये मीटर होंगे और जनता को इस मीटर में पसंद करना होगा कि उन्हें कौन सा मीटर लगाना है, वो अपनी मर्जी से मीटर चुनकर लगवा सकती है। और दूसरा डिसीजन ये रहा कि महावितरण का बकाया बिल वो आपको भरना है, फर्क इतना है कि उस अमाउंट पर जो ब्याज है वो सिर्फ 10% आपको भरना पड़ेगा, वो भी 3 महीने में किस्त पर भरेंगे तो छूट ब्याज पर मिलेगी। मगर वही मुमरा की जनता इस मीटिंग से खुश नहीं है। सैयद अली अशरफ भाई साहब ने भी सवालों का जवाब देते हुए बताया कि महावितरण के वक्त भी जो बिल का बकाया है उसे आपको पूरा भरना होगा, सिर्फ ब्याज में 10% आपको भरना पड़ेगा। गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आभाट ने मीटिंग के बाद जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल की थी, पहले वो वीडियो आपको सुना दी। आज MSEDCL के तमाम अधिकारियों के साथ और मुमरा और कपसा के आवाम के जो लोग हैं, आवाम है, उनके साथ मिलके टोरेंट को साथ में लेके मेरे कार्यालय में बैठक हुई। बहुत दिनों से यह मसला चल रहा था बिलिंग के ऊपर। यह तय हो गया है कि एक अभय योजना जल्दी ही लाई जाएगी और उस अभय योजना का फायदा पूरे आवाम को होगा। एक निर्णय जो लिया गया है कि आपको कोई भी मीटर की सख्ती नहीं की जाएगी, 6-7 मीटर का चॉइस रहेगा, आपको जो भी मीटर अच्छा लगता है वो मीटर आप आपके घर में लेके जा सकते हैं और लगा सकते हैं। यही मीटर लगा ऐसा टोरेंट आपको कभी भी नहीं बोलेगा। जो अभय योजना हमने जिसका सुझाव दिया है वो ये है कि जो अपना बैकलॉग है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट 10% पे लाके 110% अगर आप 3 महीने में भर देते हो, ये मुद्दा और इंटरेस्ट, तो ये हमने सुझाव रखा है। मेरी मिनिस्टर से भी बात हुई, मेरी MD जो है असीम गुप्ता जी उनसे भी बात हुई और ये सब लोगों के सामने हुई, ऐसे इकलौते में बात नहीं हुई, 50-100 लोग थे वहां पे, उनके सामने ये बातें हुई। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि बिना इसके ये जो मसला है उसको सुलझाए बिना हम शांत नहीं बैठे। अभी फिलहाल
नोटिस भी हमने रोकने के लिए बोला है। जब तक ये अभय योजना का अंतिम तहा निर्णय नहीं होता तब तक नोटिस भी किसी को नहीं आएगी। ये सब जितनी भी तकलीफें आपको हो रही है उसके ऊपर हम जल्द ही दवाई इलाज ढूंढ लेंगे। वहीं सैयद अली अशरफ भाई साहब ने भी क्या इस मीटिंग में जो आम जनता की मांग थी उस पर जब सवाल पूछा गया और ये भी पूछा गया कि जो आम जनता के सवाल क्या उन सवालों पर इस मीटिंग में चर्चा हुई उस पर कुछ डिसीजन हुआ तो क्या कुछ कहा है सुनिए। इसमें हुआ कि मीटर जो है टोरेंट जाती है दादागिरी करके टोरेंट जो है वो सोसाइटी में जाके और डायरेक्ट तोड़ती है और तोड़ने के बाद सीधा अपना मीटर लगाने दे तो महावितरण के अधिकारी ने उसके ऊपर क्लेरिफिकेशन ये किया है कि कोई ऐसी जरूरी बात नहीं जरूरी नहीं है कि टोरेंट का ही मीटर लगाया जाए। उसके अंदर तीन उन्होंने ऑफिशियली दिया है तीन मीटर्स के बारे में दिया है कि ये तीन मीटर कंपनीज के जो मीटर है वो लगा सकते हैं। अब ये मुझे नाम नहीं मालूम है एक दो दिन के अंदर वो मालूम पड़ के आपको बता दिया जाएगा लेकिन तीन मीटर मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि टोरेंट का मीटर लगेगा क्योंकि टोरेंट के मीटर के बारे में मैंने खुद कहा कि 30% ये तेज भागता है। अच्छा राय साहब महावितरण के वक्त का जो बिल बताया है जनता उसको चुकाने के लिए राजी नहीं लेकिन जो मीटिंग हुई उसमें ये शायद फैसला हुआ कि किस्तों में आप भर सकते हैं ये बिल। मीटिंग में ऐसा डिसीजन क्यों नहीं लिया गया कि जब से टोरेंट आई है चार्ज संभाला है तभी से लोग जो है इसका भुगतान करें महावितरण का जो भुगतान है वो न लिया जाए ऐसा डिसीजन क्यों नहीं लिया गया कि महावितरण का बकाया जनता भरने को राजी नहीं। देखिए ऐसा है कि मैंने महावितरण के अधिकारियों को ये बात बताया समस्या कि आपका जो है आप इसको स्कीम में लाओ। जितेंद्र अवार्ड साहब ने भी ये बात कहा कि आप इसको स्कीम में लाके इसको स्लैब वाइज करके 1-2-3 करके इसको फिनिश कर दिया जाए और जो चीज है तो अभी वो चीज देखिए हमारे गृह निर्माण मंत्री हमारे हैं तो उन्होंने तलवा मुंगरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से ये टोरेंट किस्तों में भरने का मतलब क्या है पीडी है उसमें और भी लोगों का नहीं पीडी के तो हम खिलाफ है पीडी के नहीं पीडी के लिए तो मैंने खुद टोरेंट ने चार्ज संभाला तभी से मैंने हमने बोला कि पीडी के मीटर के ऊपर आप केस भी नहीं कर सकते क्योंकि पीडी का कानून ये है कि 6 महीने के बाद अगर महावितरण उसको वसूली नहीं कर लेती है और वो पीडी है तो उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते वो ये बात मैंने वहां पे रखी थी महावितरण वालों के सामने तो उसका कोई जवाब नहीं दे पाए उन लोग और उसके अंदर मैं सीधा बोल रहा हूं कि जिनका पीडी है और 6 महीने के अंदर वो नहीं उनको उसके लिए पेरेंट को भी मैंने बोला कि आप उनकी वसूली नहीं कर सकते आप उनका काट नहीं सकते लेकिन लोग से बोल रहे जब से टोरेंट आए तभी से हम भुगतान भरेंगे तो इसके पहले का जो बकाया है महावितरण का उस पर डिसीजन क्यों नहीं लिया। देखिए उसके देखिए ऐसा है कि उसके ऊपर उनका गवर्नमेंट का डिसीजन है ये तो हमारा चेंबर था गृह निर्माण मंत्री का वहां पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाया था कलवा मुंगरा के हिसाब से बाकी अभी पूरी डिसीजन जो है असीम गुप्ता और विद्युत मंत्री मेरे ख्याल से राउत साहब वो लेने वाले हैं जिसके अंदर हमारी तरफ से रिक्वेस्ट गई है कि आप ये पूरे के पूरा माफ किया जाए ऐसा हमारा जो चल रहा है महाराष्ट्र शासन गवर्नमेंट का तो उसके ऊपर हम माफी के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर एक बात और है बिल को लेकर जो है जनता काफी परेशान है जनता का ये भी मानना है कि ये सारा खेल जो है मीटर का है जो ज्यादा बिल आ रहा है एक महीने का बिल जैसे 20,000 से 15,000 रहते लोगों का बिल आ रहा है तो अक्सर चर्चा ऐसा रहता है कि ये बिल कैसे भरा जाए लोग कैसे भरेंगे। देखिए ऐसा है कि चर्चा आप लोगों ने क्यों नहीं की एक महीने में जिसके घर में एक बल्ब एक लाइट एक मैंने ये बात रखी गई ये बात ये 10,000 रुपया कमाता है जो भाड़े पे घर लिया है वो उसके घर में अगर 20,000 का बिल आएगा तो वो कैसे भरेगा। महावितरण के समय 3,000 वो रेंट दे देता था भाड़े का 800 रुपया से आसपास में लगभग बिल आता था वो भर देता था लेकिन अभी जो 2 महीने की उसकी जो आय है उसमें एक महीने में सब्सिडी का मिला है इसी बात की शिकायत की गई कि पर आप लोगों ने चर्चा वहां हमें इस पे चर्चा हुई कि ये मीटर फास्ट भाग रहा है ये भगा रहे इसके ऊपर क्योंकि वही मीटर से हमको आ रहा था 1,000 रुपया बिल
अब उसी से आ रहा है 4000 रुपया बिल, तो ये मुमरा नहीं साइन कर पाएगा, ना मुमरा के लोग साइन कर पाएंगे। इसी पे तो बहस हुई और जितने पॉइंट है वो लिखे गए। अब ये 2-4 दिन के बाद वो क्या रिप्लाई देते हैं तो फिर हम जनता के बीच में जाके बोलेंगे उस चीज को। लेकिन अभी तक रिप्लाई पर्टिकुलर एकदम परफेक्ट रिप्लाई नहीं हमको मिला है। हमने एक मीटिंग लगाया, अभी तक टोरेंट के कर्मचारी कहते थे कि हम अपना ही मीटर लगाएंगे। नहीं 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 नहीं, हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब के कैबिन के अंदर जो चर्चा हुई है उसमें ये हुआ है कि महावितरण के अधिकारी ने ये बोला है कि कोई कंपलसरी नहीं है, जो उन्होंने पास किया हुआ मीटर है महावितरण का, लोगों का विरोध होने के बाद टोरेंट के अधिकारी ये बात अब कबूल कर रहे हैं कि आप अपना मीटर लगा सकते हैं, ला सकते हैं। इसके पहले वो सीधा जाकर अपना टोरेंट का मीटर लगाते थे, तो जहां पर टोरेंट का मीटर जबरदस्ती झूठ बोलकर टोरेंट कर्मचारियों ने लगा दिया है, उन लोगों का क्या होगा? क्या वो मीटर टोरेंट का हटा के अपना मीटर लगा सकते? लगा सकते हो, एक एप्लीकेशन देंगे, उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट और इनके बीच, महावितरण और इनके बीच में जो अनुबंधन हुआ, करार हुआ है, उसके अंदर वो करार में है कि 3 मीटर वो कोई भी अपने चॉइस का ग्राहक लगा सकता है, कंज्यूमर लगा सकता है। तो आप लोगों ने ये बात वहां पर उठाई कि टोरेंट के कर्मचारी झूठ बोलकर मीटर क्यों लगाए? बिल्कुल ये बात उठी कि दादागिरी करके लगा रहे, गुंडागर्दी कर रहे, ताला तोड़ रहे सोसाइटियों के अंदर, इसीलिए झगड़ा हो रहा है, इसीलिए संजय नगर में झगड़ा हुआ, इसीलिए आगे वो शिबली नगर के अंदर झगड़ा हुआ और सोसाइटियों के अंदर, कि भाई जब हमारा मीटर ऑलरेडी चल रहा है ना, और उससे बिल आ रहे तो उसको क्या जरूरत है बदलने की आपको? हाँ, मीटर खराब हो तो बदलो, और बदलो तो हमारे चॉइस का बदलो, आपका वो नहीं बने। ये महावितरण का करार है, मैं लोगों से अपील करता हूं कि इस तरीके से अगर कोई दादागिरी करे उसकी शिकायत तुरंत पुलिस स्टेशन में करो। लेकिन जो ज्यादा बिल है इस पर कोई जवाब आपका मिला नहीं अभी तक। जब तक मंत्री, विद्युत मंत्री से बात क्लियर नहीं हो जाएगी, जब तक हम इस पर कोई क्लियर वो नहीं कर सकते। लेकिन ये बात रखी गई है सामने, जितेंद्र अवार्ड के सामने और उनके सारे अधिकारियों के सामने, लेकिन अब इसका फैसला जो है कंफर्म नहीं हुआ है। 2-4 दिन के अंदर हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि इस पर गवर्नमेंट क्या फैसला लेने वाली है। अब आपको मुंब्रा शहर के आम जनता का जवाब सुनाएंगे। इस मीटिंग से क्या मुंब्रा की जनता सहमत है? मीटिंग से जो बात सामने आई है उस पर जवाब मुंब्रा की आवाम सवाल पूछने पर क्या दे रही है, सुनिए। देखिए, ये बात तो नहीं होगी कि जैसे वो लोग, वो देखो अगर मीटर लाते हैं तो वो टोरेंट वाला ही लाएगा, है ना, वही ला रहे हैं ना, उनके ऊपर ही उन्होंने बात किया ना, जो कि वो लाएगा हम चॉइस करेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर हमको मीटर लगाना है तो हम अपनी चॉइस से कोई भी कंपनी का लाएंगे, ISI मार्क का मीटर लेकर आएंगे और हम खुद लगाएंगे। हमको टोरेंट का कोई भी मीटर नहीं चाहिए, क्योंकि हमको उन पर कोई भरोसा नहीं है, हमको कुछ भी, उनका कुछ भी नहीं चाहिए हमको। वैसे भी हमको टोरेंट तो चाहिए नहीं, तो उनको मीटर की तो जरूरत हमको लगती नहीं, इतना बिल बढ़ गया है। देखो क्या क्या मीन उन्होंने नहीं किया हम लोग के साथ में, कितनी झूठी अफवाह करी, हर चीज हमने किया। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, अभी से सब लोग ने सुना है ये, तो इसके पहले के वीडियो में भी हमारा सबने सुना हुआ है, तो मीन ये मीटर की बात तो होगी नहीं, हम उनका मीटर बिल्कुल लगाएंगे नहीं। और रही बात तो ये है कि टोरेंट तो हमको चाहिए ही नहीं, तो उनकी मीटर का सवाल पैदा ही नहीं था। अगर मीटर किसी का फॉल्टी है, कुछ है या कोई प्रॉब्लम है उनको, तो हम अपना खुद मीटर लेकर आएंगे, कोई भी कंपनी का अच्छा मीटर, और हम खुद लगाएंगे, हम अपने चाहे 1000-1500 जो भी हमको उसमें भरना पड़ा, ज्यादा कम जो भी होगा वो हम लोग निकलेंगे, मगर टोरेंट का मीटर हम नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये भी बात हुई है जो महावितरण के टाइम का बिल बताया हुआ है, तो उसमें जो है ब्याज में जो है 10% और आपका बिल जो है पूरा मिला के 110% जो है आपको भरना पड़ेगा, अभी 3 महीने में किस्त में ये भरने को कहा गया। इस तरह का ये फैसला हुआ है, क्या आप लोग इससे सहमत है? कैसे सहमत होंगे भाई, ये तो सबको, सरकार को खुद को जानना चाहिए कि जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से किसी को कमाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उस टाइम अगर किसी का 50,000 या 55,000 किसी का अगर बिल आया है, तो उन्होंने क्या बोले थे, तुम 5,000 भर दो, बाकी का तुमको माफ हो जाएगा, तो उसी के ऊपर ही लोग बैठे थे। ठीक है, ये सब चली रहा था, तो इतने में फिर वो टोरेंट आ गई, तो वो सब बात खत्म हो गई। तो रही ये सब जो पहले की जो बकाया की बात है, वो तो पब्लिक भर ही नहीं सकती है भाई, ये तो खुद सरकार को सोचना चाहिए, ना किसी को कुछ पगार है, ना किसी को कुछ काम है, ना कुछ, स्कूल बंद है, नौकरियां बंद है, तो कहां से भरेंगे, और इनको क्यों देंगे? जो हमारा पहले का सब बात हो चुका था, खत्म हो गई बात, वो तो हमको कुछ नहीं बोल रहे ना, फिर तुमको क्यों देंगे हम पैसा उसका? लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, विधायक हाँ। है, उनसे जो है तमाम अधिकारियों से बातचीत हुई,
उसमें ये फैसला लिया गया है और एग्री भी हो गए हैं जो अधिकारी हैं महावितरण के टोरेंट के हाँ। और यहाँ के नेता भी एग्री हो गए हैं। नहीं तो नेताओं को तो सोचना चाहिए ना, उनको पता नहीं है यहाँ की हालत, चाहे भूमरा की हो या कहीं की भी हो, उनको खुद पता है कि यहाँ हालत कैसे, तो एग्री कैसे हुए? हम लोग से आके बात किए क्या पहले? हमसे पूछेगा तुम भर सकते हो क्या, तुमको काम है क्या, कुछ है क्या? कोई बात कोई हमारी दिल की मर्जी पूछने के लिए आता है? सर नेता भी तो अपनी मर्जी से बात करते हाँ, ये तो नहीं चलेगा। कुछ भी बात है तो पहले हमसे तो पूछो, पब्लिक से पूछो ना वो क्या कर सकती है, उनको काम है नहीं है, तुम भर सकते है, नहीं कर सकते, पहले हमसे पूछने के बाद हमारी पूरी राय देने के बाद आपको फिर वहां पे बात करना चाहिए थे। आप अपनी तरफ से कैसा बात किए, ये कोई भी भाई ने बात किया हो, कोई भी नेता ने बात किया हो, मगर ये तो नहीं करना चाहिए था ऐसा। हमारे से पूछे बगैर हमारी राय, हमारी क्या मर्जी है, हमारी परिस्थिति क्या है यहाँ पर, हम कैसा हारे, क्या कर रहे, कैसे रह रहे, वो तो किसी ने नहीं पूछा, अपनी मर्जी से बोल दिया भरना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे हम लोग? वो तो हो ही नहीं सकता भाई, नहीं भर सकते हम लोग। अभी मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो भी नेता लोग हो, अगर आपको बुरा लगता है तो माफ करना, मैं भी आपकी बहन हूँ करके, जो भी है बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो सच्चाई से मैं पीछे नहीं हटती हूँ, जो सच्चाई वो बात मुझे बोलना। जब वोटिंग करने का टाइम आता है तो आप लोग मीटिंग लेते हैं, दरवाजों पे आते हैं हमारे, हमको समझाते हैं कि हम आपके लिए ऐसा करेंगे, हम आपके लिए वैसा करेंगे, हालांकि कोई कुछ नहीं करता है, सबको फिर भी तकलीफ रहती है। जब अभी हमको तकलीफ है, कोई हमारे दरवाजे पे आया पूछने कि तुमको क्या तकलीफ है, नहीं ना, फिर ये लोग वोटिंग रहती है तो बराबर हमारे दरवाजे पे आते हैं, मीटिंग करते हैं, सबको बुलवाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हर चीज अपना वोट पाने के लिए हर चीज करते हैं। मगर जब तुम हमारे हित में बात करनी है आपको वहां पर मीटिंग करने की, तो एक बार हमारे पास आ नहीं सकते थे खुद होके? क्या उस टाइम हम तुमको बुलाना चाहिए? आपको हमारी अगर तकलीफ है तो हम आपको बुलाना चाहिए? आपको जब जरूरत रहती है तब हम बगैर बुलाए आप आते हो मीटिंग में, बगैर बुलाए आप आते हो वोटिंग के टाइम पे हमारे पास, क्योंकि हमारा एक वोट भी आपके लिए कीमती है, एक वोट भी पब्लिक का, फिर वही पब्लिक को आप क्यों सताते हैं? कि जैसे अभी आप लोगों ने टोरेंट के साथ में जिन्होंने भी जाके वहां पे मीटिंग की है, वो बोलते हैं ना एक मीन से कहावत है, मेरे दो रतन राम और रखन, तो दोनों जाके वहां पे कर दिए, मगर इन दोनों ने ही पहले हमको दिलासा दिलाया था कि टोरेंट नहीं आएगा, और अगर आपको कोई भी तकलीफ होगी तो उसको हम देखेंगे, और तकलीफ होने के बाद अगर पब्लिक जो चाहती है कि टोरेंट अगर नहीं चाहिए तो नहीं रहेगा, आज भी वीडियो मेरे पास है उसका, फेसबुक पे आज भी वीडियो है मेरे पास। तो भाई लोग मेरे राम लखन लोग, जरा हम पे मेहरबानी करना प्लीज, जो पब्लिक को आप है ना, जो पब्लिक को तकलीफ है वो देखो आप, मीन्स उनका मत देखो, वो तो कमा रहे खा रहे, उनके बच्चे भी खा रहे, मगर हम जिनको आप वहां पे बात करें कि हम भरेंगे, तो हमारे पास कुछ नहीं है भाई, गरीब लोग सब पब्लिक, किसको यहाँ काम धंधा नहीं है हाँ, इसलिए जरा प्लीज इस बारे में गौर करना, क्योंकि ये बात आपकी ही है, आपने ही हमको दिलासा दिलाया था, और इसका काम आप ही करो, फैसला आप ही करो, हमारे हित में ही काम होना चाहिए। और धमकी देके जाते कि हम संजय नगर की लाइट बंद कर दो, लाइट सुनू में जिसको जिसको सही सही बिल है जिसके पास, यानी कि पहले का मीटर है और सही बिल आ रहा है, तो सब जिनके पास ज्यादा बिल आ रहा है, लाइट ज्यादा बिल आ रहा है, जो नई लाइन चालू कर रहे हैं तो उसका प्रॉब्लम लाइट हम लोग सब लोग बिल भर रहे ना पूरा दिन, तो सीधा क्या बोलेंगे मन में, बोलते जो हमारा मीटर जिसके जहाँ जहाँ लगा हुआ है उनकी लाइट रहेगी, जिन्होंने मीटर नहीं लगाया है जिनका पुराना मीटर है उसकी लाइट चली जाएगी। ये इलेक्शन होने से पहले भी जितेंद्र अवार साहब बोले थे कि जैसा ये लाइट नहीं आएगी, अगर पब्लिक को तकलीफ रहेगी तो वो काम मैं नहीं करने दूंगा, और समीम भाई भी बोले थे कि अगर टोरेंट आएगी तो मेरे लास्ट पर से गुजरेगी, तो वही हम लोग का जैसा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसा हम लोग का समस्या जो है हल करे, आपस में लड़ाई है कि जो है टोरेंट के जो अधिकारी है वो 4 से 5 किस्म के ISMR का मीटर लाएंगे आप चॉइस नहीं, मगर हम लोग नहीं चाह रहे, हम लोग का जो पुराना मीटर हम लोग को वही चाहिए, टोरेंट नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोग नहीं भर सकते, हम लोग नहीं कर सकते वो काम, जो हमारा जूना है वही रहने दो। जैसे कि अभी अपने नेता लोग और टोरेंट वालों की जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी मीटर्स है 6-7 मीटर की लिस्ट रहेगी उनमें से सिलेक्ट करने का रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को टोरेंट चाहिए ही नहीं, क्योंकि बहुत अनजस्टिस हुआ है, जहां पर बिल आता था 800,000 वहां पर आ रहा है 25,000 विद प्रूफ हम लोग के पास है, हम लोग को उसके पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था एज पर MERC कंज्यूमर राइट जो है कि हम लोग का बनता है कि जो मीटर लगा रहे उसके पहले, हम लोग के परमिशन में घुसने के पहले आप लोग का एक
बाकायदा लेटर चाहिए था इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज पर्सन से साइन किया हुआ कि हम लोग इस एरिया में आ रहे हैं और हम लोग ये काम करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने किसी को रोका नहीं यहाँ काम करने के लिए। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ सिर्फ वायर कर रहे हैं, एक बॉक्स लगा रहे हैं, बट आपका जो मीटर रहेगा वो रिप्लेस नहीं होगा। हाँ, जो पुराना मीटर था, जो चक्री वाला मीटर जो बोल रहे थे, वो रिप्लेस होगा। हमने उस पर भी एग्री किया, बट हम लोग का तो डिजिटल मीटर था, तो वो रिप्लेस क्यों हुआ, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, हम लोग के परमिशन के बिना ये रिप्लेस क्यों हुआ है? हम लोग का ये राइट है, अगर कुछ फॉल्ट है तो वो हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, एज पर MERC कंज्यूमर राइट है। और इवन September 23, 2020 में राइट आया है हम लोग का, अगर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग के रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रहे, हम कंप्लेन कर सकते। बट अभी तक के हम लोग को इतना प्रॉब्लम हो रहा है टोरेंट के वजह से, हम लोग ने एक भी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में जाके की नहीं है। बाकायदा एक संयम से हम लोग काम ले रहे हैं पब्लिक मिलकर, भले ही नगर सेवक उन लोग ने जो भी डिसीजन लिया हो, हम लोग वो डिसीजन को एग्री नहीं करते। पब्लिक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, टोरेंट हटाओ, गरीबों को बचाओ, टोरेंट हटाओ, गरीबों को बचाओ, टोरेंट हटाओ, गरीबों को बचाओ। मुंब्रा की जनता टोरेंट पावर पर क्या कहा आपने सुना, और नेताओं पर भी क्या कहा ये भी आपने सुना, यानी इससे साफ पता चलता है कि ये जनता सब जानती है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।